साई भक्त डॉक्टर अन्ना साहेब गवहाणकर। इनके आज के वंशज कोजागिरी पौर्णिमा उत्सव शिरडी में मनाते हैं। यह परंपरा 93 वर्ष से निरंतर शुरू है। कैसे मनाते हैं कोजागिरी पौर्णिमा शिरडी में, चलो जानते हैं इनके परिवार से। ओम साई राम। मैं डॉक्टर साईनाथ केशव गवाणकर, डॉक्टर अन्ना साहब गवाणकर इनका मैं सुपुत्र हूँ। डॉक्टर अन्ना साहब गवाणकर ने कोजागिरी की पौर्णिमा उत्सव शिरडी में मनाना चालू किया, तब से आज तक हमने वो प्रथा चालू रखी है। हम हर साल शिरडी में आते हैं और कोजागिरी रात को जागरण करते हैं, भजन कीर्तन करके पूरी रात हम जग जाते हैं। ये जो प्रथा जो चालू हुआ है वो अभी तक हमने चालू रखी है। इसमें हमको संस्थान की बहुत सहायता मिलती है, शिरडी ग्रामस्थ लोगों की सहायता मिलती है और मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि इतने साल से हमारे कैसे किया। नाम तो समझते कि हमारे से साई बाबा ने करवा लिया है और अभी तक ये कोजागिरी पौर्णिमा का उत्सव हम यहाँ मनाते हैं। कल रात को मंदिर में भजन कीर्तन प्रवचन हो गया और फिर रात को बाहर स्टेज के ऊपर लोगों ने, जो भजनी मंडल थे, उन्होंने अपनी कला सादर करके कोजागिरी का जागरण किया है। वो लोग हमको झुमका भरकर रात को खिलाते हैं, दूध भी खिलाते हैं। ये जो साई परिवार है, रहने वाले शिरडी में रहने वाले लोग, वो हमको वो प्रसाद के रूप में देते हैं। ये जो कल कार्यक्रम साई मंदिर में हो गया, आज का दूसरे दिन बाहर जो 16 घंटे का जो मंडप है, उस मंडप में प्रसिद्ध कलाकार संतोष पौर इनका नाटक आज मंदिर के बाहर होने वाला है और सब लोग शिरडीवासी उस नाटक के लिए बहुत आतुर हो गए। वो पूछते कभी होने वाला है, तो हम बता दें 7 बजे आके संतोष पौर अपनी कला आपके लिए सादर करने वाले हैं। 1930 में मंदिर में काका महाजनी और यशवंतराव गायवणकर कोजागिरी के जागर करते थे। मेरे पिताजी उस टाइम में गए थे, तभी उन्होंने मुझे मेरे पिताजी को बुलाया, मेरे पिताजी के गले में माल डाला और बोले अभी हम बुढ़े हो गए, ये जो कार्यक्रम है उसके आप चालू रखें। तब से 1930 का तब से अभी हमारा ये कोजागिरी का पौर्णिमा उत्सव शिरडी में हम मना रहे हैं और मुझे लगता है कि अभी ये हमारा 93 ईयर्स हो गया। कि हम बीच में भी जो कोविड का प्रोग्राम आया था, तभी भी हम 2 साल के लिए आए थे या पूरा बंद था, फिर भी मैं, मेरा बेटा डॉक्टर ज्ञानेश बाहर बैठ के 2 भजन गाए, हमारे रिपोर्टर ने उसका शूटिंग भी किया है। तो ये जो परंपरा हमने अभी तक तोड़ी नहीं है, आगे भी चालू रहेगी, बाबा के कृपा से ये आगे भी चालू रहने वाली है। बाबा कराते हैं। Yeah.
में जगाया, अब चल उस विश्वास की बाबा तक पहुँचाए जो उस भक्ति पथ के प्रवास।